डिबेट शो हम तो पूछेंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी दो चरण आते आते चुनावी बहस में अब दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी आ गए हैं। एक रैली में पीएम मोदी ने बोफोर्स सौदे के बहाने राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर वन कह दिया। कांग्रेस ने जब इसे राजीव गांधी की शहादत के अपमान से जोड़ दिया तो प्रधानमंत्री मोदी और ज्यादा आक्रामक हो गए। चाईबासा की रैली में तो मोदी ने कांग्रेस को राजीव गांधी को मुद्दा बनाकर बाकी बचे चरणों में सामने आने की चुनौती दे दी। मोदी के इस रुख के बाद राहुल और प्रियंका दोनों राजीव गांधी के मुद्दे को उठा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि उनके समर्थन में दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब 200 टीचर खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी मोदी के रुख को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। राजीव गांधी पर छिड़े इसी सियासी घमासान पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या पीएम मोदी ने जानबूझकर चुनावी घमासान में राजीव गांधी को घसीटा है? क्या राजीव गांधी पर पीएम की बयानबाजी से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? और क्या दिवंगत प्रधानमंत्री पर इस तरह की सियासत जायज है? इन सवालों पर बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर मैं चुनौती देता हूं, आइए मैदान में, उस मुद्दे पर चुनाव लड़िए, देखिए खेल कैसा खेला जाता है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, अब की बार परिवार पर वार। कांग्रेस के वो पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर गंभीर आरोप लगे थे, अगर आप में हिम्मत है तो दिल्ली का चुनाव अभी बाकी है, आपके पूर्व प्रधानमंत्री के जिसको लेकर के दो दिन से आप आंसू बहा रहे हो, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर आइए दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े, आ जाओ मैदान में, आप पे हिम्मत है, आइए पंजाब में उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं जोर कितना बाजुओं में है। देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर कल और आज एक शहीद व्यक्ति का अपमान करते हैं। आपके दिल में जितना भी गुस्सा हो, जितना भी क्रोध हो, जितनी भी नफरत हो, आप मुझे जो गाली देना चाहते हो दे दो, आप मुझसे जो कहना चाहते हो कह दो, आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी, दादा दादी, सबके बारे में जो कहना है आप कहो। आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे, मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा। आइए आइए भोपाल में, भोपाल में उनके नाम पर चुनाव लड़ते हैं, और भोपाल में हजारों लोग जो गैस लीकेज होने के कारण मर गए थे, और उस समय के प्रधानमंत्री ने जो काम किया था वो खुल करके आ जाएगा। कभी शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं तो कभी मेरे परिवार के शहीद सदस्यों का अपमान करते हैं, लेकिन आपकी जरूरतों की बात नहीं करते, ये कभी नहीं कहते कि जनता की क्या समस्याएं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जिन पर कांग्रेस नाज करती है, जिन्हें कांग्रेस सरकार भारत रत्न से नवाज चुकी है, चुनाव के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ही मुद्दा बनाने की चुनौती कांग्रेस को दे दी। चुनौती भले ही चाईबासा में दी गई हो, लेकिन उन पर राजनीति यूपी के बस्ती में शुरू हुई। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। कांग्रेस को आज की सियासत में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को खींचा जाना अखर गया। जिसको आप गाली गलौज करते हैं, जिसका अपमान करते हैं, भारतीय परंपरा और संस्कार में मृत व्यक्ति के बारे में इन शब्दों से सुशोभित करते हैं, कांग्रेस पार्टी को गर्व है इस नाम से, इस प्रधानमंत्री से।
विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना शुरू कर दी। कमाल की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, विरोध करिए लेकिन इतने ऊंचे स्तर तक नहीं ले जाइए। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब 200 प्रोफेसर ने भी प्रधानमंत्री के बयान की निंदा की। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है राजीव गांधी जी के लिए कि राजीव गांधी बहुत करप्ट थे, उसको हम पूरे स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या चुनावी राजनीति में राजीव गांधी जैसे दिवंगत नेता को घसीटना जायज है? और अब सुनिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या चुनावी राजनीति में राजीव गांधी जैसे दिवंगत नेता को घसीटना जायज है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP SPACE Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP SPACE N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर भी हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। #HTP और #राजीव पर राजनीति के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं। बड़े कार्यक्रम में बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गौरव भाटिया इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी आज हमारे साथ डिबेट में शामिल रहेंगे। इसके अलावा AK वाजपेयी साहब LJP का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डिबेट में है। साथ ही अमीर हैदर जैदी साहब CPI का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रहेंगे। और जबरदस्त ऑडियंस, आप सभी लोग हमारे मेहमानों और अपना खुद का स्वागत कीजिए 2000 तालियों के साथ। गौरव भाटिया जी, शुरुआत आज डिबेट की आपसे करूंगी, विस्तार से एक घंटा पूरा है, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन शुरुआत में सिर्फ हाँ और हाँ ना में जवाब दीजिएगा। पहला सवाल, क्या राजीव गांधी ने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, हाँ या ना? देखिए, हाँ या ना में मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ इस बार। हाँ में और ना में दीजिए, फिर आगे विस्तार से अपनी बात रखिए। नहीं नहीं, मैं अपनी बात रखूंगा और उसके बाद जनता तय कर लेगी कि मैं सही कर रहा हूँ। पास की बात नहीं है ना, विस्तार में जाना होगा तो हाँ या ना, या नहीं तो पास कर दीजिए। तीन ऑप्शंस हैं, कोई बात नहीं। ऑप्शंस ये कोई कौन बड़े बनेगा करोड़पति तो नहीं है, ABCD और मुझे उत्तर देना पड़ेगा। आधुनिक मैं तथ्य रखूंगा और जनता तय करेगी। तो लीजिए, आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव गांधी का योगदान है या नहीं? मैं ये कहूंगा कि देश में जो सबसे अहम बात है हमारा संविधान और जो संवैधानिक पद है उनकी मर्यादा। और जब एक ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दिन रात मेहनत कर रहा है उनको चौकीदार चोर है कह के आप राहुल गांधी से पूछेंगी हाँ या ना में कि नरेंद्र मोदी जी का सम्मान होना चाहिए? अभय दुबे बताएं, नरेंद्र मोदी जी का सम्मान होना, आपसे पूछ रहा हूँ। धैर्य रखिए गौरव भाटिया, विस्तार से अभी जाएंगे। हाँ या ना में राहुल गांधी, बताइए ना। पहले राहुल गांधी की बारी आएगी, प्लीज पहले राहुल गांधी के पास जाइएगा, मीटिंग का माइक लगाइएगा और कहिएगा कि ये सही है कि गलत है कि देश के चुनाव में प्रधानमंत्री का पर लग चुका है, आपने शायद देख लिया होगा। लगाइएगा और मुझे विश्वास है न्यूज़ 18 पर आप ये काम कर पाए। वाजपेयी सरकार के दौरान कारगिल युद्ध में मिली जीत में बोफोर्स तोप की भूमिका थी या नहीं थी? मैं आपको बताऊं, बोफोर्स तोप जब लाई गई उसमें दलाली करी कि नहीं राजीव गांधी ने? हाँ करी। उसका पूछिए हाँ, मैं जवाब देता हूँ मैं आपको। डिजिटल इंडिया की शुरुआत में राजीव, सुनिए, डिजिटल इंडिया के योगदान में राजीव गांधी का योगदान है या नहीं? राजीव गांधी का ये योगदान जरूर है कि बोफोर्स की तोपे लाके दलाली करी, कोटरोची के साथ उनके बड़े निकट संबंध थे और उनके न रहने के बाद कोटरोची के खिलाफ जो है कुछ ना प्रत्यर्पण की कार्रवाई हो ये सुनिश्चित गांधी परिवार ने किया। चलिए, आपने एक भी सवाल का हाँ और ना में जवाब नहीं दिया। मैं हाँ या ना की है उत्तर नहीं है ना, ठीक है, ये कोई पांचवी कक्षा का जो है परीक्षा थोड़ी ना। हाँ या ना में जवाब दूंगा मैं। विस्तार वाला सवाल सुन लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचारी नंबर वन कहना सही है? चलिए, अब मैं उत्तर दे सकता हूँ। बिल्कुल दीजिए, वैसे तो आपने हाँ ना में नहीं दिया। हमारा ये मानना है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पे बिना प्रमाण के आरोप लगाना अपने आप में संविधान को और जो राजनीतिक मर्यादा है उसको तार तार किया है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगी है कि मैंने झूठ बोला रफेल में। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं, उन पे झूठे आरोप लगाए, और दूसरी तरफ कौन लगाए जो खानदानी चोर है? राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे है,
राजीव गांधी का घोटाले में नाम आया, रॉबर्ट वाड्रा किसानों की जमीन हड़प रहे हैं और वो एक ईमानदार प्रधानमंत्री को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो। तो इसका मतलब ये सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई आपकी बिल्कुल सही है आपके पक्ष के हिसाब से। तो इसका मतलब मेरे पक्ष के नहीं, कुछ बदले के तहत भ्रष्टाचारी नंबर वन दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है क्या? फिर मतलब मैं तो केवल राजीव गांधी भ्रष्टाचारी नंबर वन नहीं है, ये खानदान भ्रष्टाचारी नंबर वन है देश का, जिसका नाम गांधी परिवार। खानदान, खानदानी चोर है ये लोग। देश की जनता का मेहनत का रुपया खा जाते हैं और गरीब का हक मार देते हैं। ये है गौरव भाटिया, आपकी पार्टी तो हिंदुत्व की पैरोकार है और वो पार्टी जो हिंदू नहीं, रुक जाए यहाँ पे दुबे जी, आपकी बारी आएगी तब आप बोलेगा। परंपरा और हमारी संस्कृति क्या हमें ये सिखाती है कि हम किसी दिवंगत व्यक्ति को लेकर इस तरह का कीचड़ उछाले? हमारी संस्कृति क्या हमें ये सिखाती है कि एक ईमानदार को आप कहें चौकीदार चोर है? क्या हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि प्रियंका गांधी जो है दुर्योधन बुलाए प्रधानमंत्री को? क्या हमारी संस्कृति ये सिखाती है मणिशंकर अय्यर उनको नीच और चाय वाला बुलाए? और क्या हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति को काम न करने दे क्योंकि आप भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे? हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती। पहले हमारी संस्कृति को जाने जो लोग इटली से आए हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे हम कि आप अगर एक ईमानदार प्रधानमंत्री पर उंगली उठाएंगे तो हम लोग जवाब देना जानते हैं और प्रमाण और तथ्यों के साथ जवाब देंगे। मैं तीन बातें कहूंगा बोफोर्स में और आप बताइए। 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये नकली प्लीज है, ये गलत है, ये सेठों के दरबारी है, उसके बाद उत्तर ये गाले पे जो लाली ये हो गई ना दरबार, ये राफेल की दलाली है, झूठों की हालत होती है। अरे लूट जैसे ही आप सत्य की बात करेंगे दुर्योधन घबराएगा। क्या जीत अर्जुन की होगी और नरेंद्र मोदी जी अर्जुन है इस युद्ध के, आप देख लीजिएगा। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। होगा लगातार देखिए, एक व्यक्ति 50 साल का अपरिपक्व बालक कहता है अपने प्रवक्ता से जाके चिल्लाना जंगल में, जैसे ही सत्य बोले भाजपा का प्रवक्ता उसकी आवाज ना पहुंचे, लेकिन सत्य में ताकत होती है, मेरी आवाज जनता तक जरूर पहुंचेगी। नरेंद्र मोदी जी की मेहनत जनता जरूर देखेगी, आप देख लीजिए। ये देखिए आप ही ने तो इस बात की शुरुआत की है। चौकीदार चोर है किसने कहा है? दुर्योधन किसने कहा है? अब आपके पूर्व प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है भ्रष्टाचारी नंबर वन, तो मिर्ची लग रही है आपको? मिर्ची किसने कह दिया? विरासत में मिर्ची किसने कह दिया? यहाँ तो सब कुछ लग गया, आग लगी हुई है गांधी परिवार में। अमित राजीव गांधी का बच्चा 1600 गुना संपत्ति कर ले, वो नेक नियति हो गई। चोर डोबार है कि नहीं? राहुल गांधी बेल पे है कि नहीं? भ्रष्टाचारियों ने प्रियंका गांधी बेल पे है कि नहीं? 31 रॉबर्ट वाड्रा का दूसरा नाम करोड़ रुपए प्राइम मास्टर गोगो है, आया हूँ तो किसानों की नदी जमीन हड़प के जाऊंगा। यह है रॉबर्ट वाड्रा। गंभीर आरोप लगाया है मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी पर, गंभीर आरोप लगाया। क्या कहा? आप गाली गलौज कर रहे, ठीक है, क्लीन चिट दी। अरे मोदी जी, 4 फरवरी सूर्य को प्रकाश की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को इन भ्रष्टाचारियों के सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो बात बोल रहे हैं आप दुबे, बात तो सही है। 2004 में क्लीन चिट मिली ना, मिली ना, वाजपेयी सरकार ने क्लीन चिट दी। अरे कहिए बूढ़ों को, जाए वाजपेयी सरकार ने क्लीन चिट दी ना, आपकी बारी आगे। वाजपेयी सरकार ने क्लीन चिट दी, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी। मैं यही चीज, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी कि नहीं? उसके बाद एक भी प्रश्न आप दुबे जी, 15 मिनट आपने दिए, 15 मिनट दे दिए, अभी शो हुए 8 मिनट हुए। आप दोनों ये तय करके आए हैं कि आप अपने अपनी पार्टियों के अलावा हर पार्टी के बारे में बात करेंगे। आप बीजेपी के बारे में बात करेंगे, गौरव भाटिया कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। मैं बीजेपी की बात करूंगा और मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा। हम तो लंबी उम्र की कामना करते हैं मोदी जी आपके लिए, आप उनकी लंबी उम्र की कामना। झूठ मत बोलिए आबे दुबे जी, झूठ मत बोलिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा? नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा ऐसा छक्का मारिए कि देश से बाहर के मरे। ये किसने कहा? किसने कहा? हाथी के दांत खाने और खिलाने के अलग अलग होंगे क्या अबे दुबे? ऐसे नहीं होगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। जो बोया बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए? आम कहां से होए अबे दुबे? आम कहां से होए?
आपको इतिहास क्षमा नहीं करेगा। संगठित लूट की है। आज एक बड़ी खबर आई है, आपने ब्रेकिंग नहीं की, उज्ज्वला की पहली बेनिफिशियरी गुड्डी देवी बलिया की, वो कह रही 2016 के बाद से चूल्हा जलाती हूँ, दूसरा सिलेंडर मुझे मोदी सरकार। हम मोदी सरकार को कह रहे हैं, आप जो क्लेम करते हैं मुद्रा योजना 88.9% शिशु कैटेगरी के 23,040 करोड़ रूप 40 रूपए तो फिर अलग ही राय चली जाएगी, पॉलिटिकल डिबेट अलग ही चली जाएगी। राजीव गांधी को अगर आपकी पार्टी में सर माथे पर लिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आरोप दूसरी पार्टी लगाएगी तो आप उससे पहले कई आरोप लगा चुके हैं मौजूदा प्रधानमंत्री पर, तो तैयार रहिए, कीचड़ उछालेंगे तो आप पर भी उछलेगा। आरोप लगाइए, कोई हमको तकलीफ नहीं है, मगर शहादत पर इतना घृणित बयान हमने आज तक कभी नहीं कहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि राजीव गांधी जी ने मुझे कहा था इस बात का उल्लेख मत करना, गंभीर बीमारी से अटल जी ग्रसित थे, राजीव जी ने चुपचाप बुलाकर उनको भेजा इलाज के लिए। ये भारतीय संस्कृति और परंपरा है। राजीव गांधी जी को याद किया जाएगा, राजीव गांधी जी को दोनों एक दूसरे के नेताओं को चोर चोर कहते रहे। वाजपेयी साहब से सवाल है, वाजपेयी साहब ठीक है, शांत शांत शांत, परिवार प्रधानमंत्री ने 5 चरणों के चुनाव संपन्न करवा लिए, 2 चरण बचे हैं, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, 2 चरणों के मतदान बचे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं 30 साल पहले ले जाते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचारी नंबर वन है दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और स्पेसिफिक 3 जगहों का नाम लेते हैं, कहते हैं पंजाब, दिल्ली और भोपाल। मैं चुनौती देता हूं, राजीव गांधी के नाम पर चुनाव लड़ लीजिए, क्या वोट की सियासत की नजर नहीं आता कि ये सब कुछ वोटों के खातिर हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, याद करिए, प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है, और एक सेकंड सुनिए ना, हंसिए नहीं, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए आप। नहीं नहीं, सुनिए, देखो इसको समझना पड़ेगा चीजों को, प्रधानमंत्री ने गलत कहा या एक सेकंड सुनो, अरे आप सुन के जवाब देना। देखिए मैं बड़ी बैलेंस बात करूंगा, आप परेशान ना हो, अरे सुनिए ना, सुनिए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने सही कहा या झूठ कहा, ये 2 मिनट में ये जनता आकलन कर देगी। प्रधानमंत्री ने जो बात कही के राहुल गांधी नंबर वन के भ्रष्टाचारी थे, ये बात एक सेकंड सुनिए, सुनिए नहीं सुनिए पहले एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट दुबे जी अगर नहीं सुनोगे तो बात ठीक नहीं है, सुनिए तो सही, वी विल नॉट स्पीक, आप बोलते रहिए, आप नहीं चाहते कि जनता सुने, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि जनता सुने, इसका मतलब अरे क्लियर हो जाए, दलाली हुई आप प्लीज सर, प्लीज अभी 2 पैनलिस्ट बाकी है, मैं उनके पास नहीं गई हूँ, प्लीज आप मुझे इस बात की पूरे समय कैसे नहीं रोका, आप समय मेरे आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कर रहे हैं, मैंने इन्हें रोका नहीं रोका, गलत बात नहीं, गलत बात सामने नहीं जाने देना चाहते, मेरे 3 सवाल है, चलिए राफेल पहले एक सवाल का उत्तर दीजिए उसके बाद बात करेंगे, जनता देख रही है। अभय दुबे जी 1 मिनट, सवाल पूछना हमारा काम है, आप क्यों पूछ रहे हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं, आप पूछिएगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके लिए, नहीं प्लीज, जो मैंने सवाल पूछा है एके वाजपेयी साहब से, प्लीज उन्हें उनको अपना आंसर कंप्लीट करने दीजिए, मैं 1 मिनट बोलूंगा उससे नहीं ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात की है, ये मैं तथ्यों से साबित कर देता हूँ। देखिए हुआ क्या, चार्जशीट में प्रधानमंत्री का नाम 15वें नंबर पे, राजीव गांधी का नाम 15वें नंबर पे, एक सेकंड सुनिए, एज एन एक्यूज था, इसको ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इनका ये है कि 2004 में हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन उसमें पेचीदगी ये थी, अपील में गए, एक सेकंड 90 दिन का, देखो आप सुन लीजिए ना, आप देखो कितने बड़े विद्वान हैं, सच पर आप लॉट स्पीक तो करने नहीं, आप सुनना नहीं चाहते उसको, अच्छा 90 दिन अपील में गए क्या, अरे आप सुनना क्यों नहीं चाह रहे, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, अगर मैं गलत हूं आप तो अगर मैं गलत हूं तो आप जरूर तो
आप कुछ छुपाना चाहते हैं जनता से? आप नहीं चाहते कि उनकी दोनों की बात जाए? एक तरफा संवाद आप जवाब देंगे आपको प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा। प्लीज ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, आपसे जवाब लेंगे, अभी टाइम बहुत बचा हुआ है, बाकी पैनल्स भी हैं जी। 2004 में हाईकोर्ट ने क्वेश किया प्रोसीडिंग, और वो इस ग्राउंड पे किया क्योंकि हिंदुजा ब्रदर हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की प्रोसीडिंग क्वेश की जाती है, लेकिन अदर सेक्शन की प्रोसीडिंग्स एज इट इज रहेंगी। राजीव गांधी, मैंने राजीव गांधी का नाम नहीं लिया, मैंने राजीव गांधी हाईकोर्ट नहीं गए, सुनिए, हाईकोर्ट ने भरी किया 5 फरवरी 2004। अरे मैं छुपा नहीं रहा, कोई चीज ना छुपा हुआ, आप सुनने दीजिए बात को। मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, गांधी जी पर दो मिनट में दो लाइनों का है, इट इज ट्रू, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ये सब समझदार लोग हैं। राजीव गांधी पर क्या कहा ये बताइए। राजीव गांधी एक्यूज थे, उनको ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ? 5 फरवरी 2004 नो अचुटल, 3 महीने तक 22 मई को सरकार गई अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने अपने अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया। मेरी बात सुन, क्यों घबरा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने आप सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात को? एक मिनट सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा, मैं जवाब देता हूँ। हाई कोर्ट ने भी नकार दिया। अबे दुबे जी, अबे दुबे जी, इनको क्या डर क्या है? अरे डरने का फिर और क्या बात है? देश के साथ, इसीलिए मोदी जी ने चैलेंज किया कि आइए लड़िए राफेल का। नहीं सॉरी, मैंने उस दिन भी कहा था, अरे राफेल पे हम रोज डिस्कस करते हैं, कौन से दस्तावेज छुपाए बताइए ना, आप तो वकील हैं। अबे दुबे जी, राफेल वर्सेस बोफोर्स हो रहा है क्या? छुपा है राफेल वर्सेस बोफोर्स हो रहा है? बोफोर्स में राफेल वर्सेस बोफोर्स के समय सारे अखबारों ने छापा है, आज भी आप बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं। 18 ने भी बड़ी स्टोरी की है उस पर। वाजपेयी साहब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दूसरे पैनल के पास जाऊंगा। राजीव गांधी एक्यूज थे, उनका नाम चार्जशीट में सीरियल नंबर 15 पे एज एन अक्यूज था। हाईकोर्ट में हिंदुजा ब्रदर गए, चार्जशीट क्वेश की गई और उसमें लिखा गया क्योंकि राजीव गांधी की डेथ हो चुकी है इसलिए कोई ट्रायल नहीं हो सकता है। ये ऑर्डर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दो लाइन सिंपल, दो लाइन झूठ। 5 फरवरी 2004 आपका सच, सच का सच, झूठ, यही राजनीति हो रही है। इस बीच में आमिर हैदर जैदी साहब के पास जा रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कोई बात गलत, कोर्ट का ऑर्डर पढ़ने में तो झूठ और सच का कुछ मतलब नहीं है ना दुबे साहब। मैं चुनौती देता हूं, सुनिए कोर्ट का ऑर्डर पढ़ने में झूठ बोल रहे कुछ नहीं, आप कौन चाहिए? झूठ बोल रहे हैं, तैयारी कर गए, कोई चीज की जानकारी नहीं है। एक व्यक्ति आता है पूरी डिबेट को हाईजैक कर लेता है, सच से नहीं बोलता, झूठ बोलता है, ये गलत है। राजीव गांधी पर आरोप थे या नहीं थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा, हम देश के अपने दोनों शहीदों से कहेंगे, राजीव गांधी से भी कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, और हेमंत करकरे से भी कहेंगे इन लोगों को वो माफ कर दें। मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए दोनों शहीद हैं, और हमारे एक संस्कार ये हैं कि अगर महल्ले में कोई किसी की भी डेथ हो जाए और वो किसी भी तरह का आदमी हो, हम उसे स्वर्गवासी ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। दूसरी एक चीज और है कि ये आपको तथ्य बता रहा हूँ, जाके बोफोर्स तोप की फाइल पढ़ लीजिए, जाके उसमें ये लिखा हुआ, सुन लीजिए आप जाके पढ़िए बोफोर्स तोप की फाइल, उसमें ये एक नोटिंग है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इसमें किसी तरह की दलाली नहीं जानी चाहिए। ये प्रधानमंत्री के उस वक्त की एक उस पर कोटेशन दर्ज है। लेकिन वीपी सिंह आए, मैं विपक्ष का नेता हूं, मैंने भी उस आंदोलन में साथ दिया था, उन्होंने 2 पर्चे स्टेज से उठाए, वो कोरे थे, क्या थे आज तक, जैसे एंकर टीवी में कर देते हैं कि साहब ये मेरे पास सबूत हैं, वो फोर्स में दलाली गई। आज तक वो 2 पर्चे हमें नहीं नजर आए, ना वो कोर्ट की प्रोसीडिंग में रखे गए, ना कोर्ट के सम्मुख रखे गए, और सुन लीजिए नहीं रखे गए वो, और देश को गुमराह किया गया उस वक्त में, और ये गुमराह देश हुआ और सबने माना। लेकिन जब उसी बोफोर्स ने कारगिल युद्ध के अंदर दुश्मन के दांत खट्टे करे, तब किसी ने नहीं कहा कि साहब ये बहुत अच्छा निर्णय था। अगर बोफोर्स तो उस समय नहीं होती तो देश का क्या होता, ये आप भी लेफ्ट पार्टी गुमराह हुई थी या नहीं हुई थी ये बता दीजिए। सुन लीजिए,
2014 गुमराह हुई थी नहीं हुई थी, सीधा सवाल है बताइए। मैंने बोला आप जो कह रहे हैं ना उस वक्त तमाम जो देश है वो गुमराह करने की कोशिश कवायद की गई थी, गुमराह क्या लेफ्ट पार्टी गुमराह हुई थी? सुन लीजिए, देश गुमराह हुआ, पार्टी गुमराह हुई, देश को गुमराह किया गया जैसे अब गुमराह किया गया 2014 के अंदर। हमसे जो आप जवाब नहीं दे रहे की सरकार में आप कैसे बाहर से समर्थन दे रहे थे? सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप तो बिल्कुल अभी बता रहे हैं कि देश गुमराह हुआ था, तो आपने कैसे सपोर्ट कर दिया उस सरकार को? अब एक जो इसी वजह से टूटकर सरकार बनी थी। अब आंसर सुनेंगी आप, जवाब सुनेंगी आप, जवाब सुनेंगे, आप पूरा जलेबी बना रहे हैं जो सवाल है उस पर आएंगे, जवाब सुनेंगे। कोई भी आके एक मर्तबा गुमराह कर सकता है, हाँ। किसी को भी बार बार गुमराह नहीं, आप गुमराह हो गए थे, सुन लीजिए, जैसे 2014 में देश गुमराह हुआ, 2014 में देश गुमराह हुआ नहीं हुआ, चलिए मान लेते 2014 में गुमराह हुई थी, लेकिन तब भी गुमराह हो गए थे आप, इसमें बात हुई, चलिए मान लेते आपकी बात, आप बताइए तब वीपी सिंह की सरकार के साथ समर्थन में थे, आप भी गुमराह हुए थे, काला दल आप गुमराह हुए थे नहीं हुए थे, आप गुमराह हुए थे या नहीं हुए थे बता दीजिए। आपको जो सच्चे बता दिए वो आपको समझ में नहीं आए, आपको नहीं आई समझ में, रामकृपाल सिंह जी क्या अपने ऊपर हो रहे हमलों से आहत होकर प्रधानमंत्री ने पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री का नाम लिया और उन्हें भ्रष्टाचारी नंबर वन कहा, या फिर इस पर भी वोटों के गणित का फॉर्मूला लागू होता है? प्रीति जी, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक लाइन कहूँगा। जब मैं यहाँ आ रहा था अंदर, तो हम और सब लोग बैठे हुए थे बाहर, तो जयदी साहब से ऐसे ही बात हो रही थी कि 23 के बाद क्या होगा, तो जयदी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी होगा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अब मैं चूंकि यहाँ पर कई अधिवक्ता हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के दाएं और बाएं मेरे वकील हैं बरेली, एक मैं सवाल इन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि मैंने 1971 से सारे चुनाव देखे हैं, बल्कि 69 कह लीजिए जब कांग्रेस और इसका डिवीज़न हुआ था, इंडिकेट और सिंडिकेट बना, तब से मुझे है, मैंने कभी इतना मैं डरा हुआ नहीं था। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि वकील भी आप ही हैं, फैसला भी आप ही सुनाएंगे, तो 23 तारीख के बाद इस देश में अदालतें रहेंगी या नहीं रहेंगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिस तरह से एक लोकतांत्रिक बहस हो रही है, क्या वाकई शासन भी ऐसे ही चलेगा अगले 5 साल तक, चाहे जो भी आए इन लोगों में से, ये वाकई डर लग रहा है। जिस तरह का अभी मैं देख रहा हूँ कि किसी भी मामले में, मुझे तो, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, प्रैक्टिस तो नहीं किया, लेकिन एक चीज़ पढ़ाई गई थी, वन कैनॉट बी जज इन हिज ओन कॉज, आप अपने ही मामले में वो वकील और जज नहीं हो सकते। देखिए, ईमानदारी की बात यह है, हमें भी बताया जाता है कि जब तक अदालत से कोई अपराधी नहीं किया जाए, अभियुक्त और अपराधी में फर्क होता है, आरोपी और अपराधी में, न राजीव गांधी अपराधी साबित हुए, न मोदी जी साबित हुए, यह अलग बात है कि एक जनता की अदालत होती है, उस अदालत में बोफोर्स पर राजीव गांधी को, चाहे कुछ भी कहिए, जो बना परसेप्शन, राजीव गांधी जो 400 सीट लेके आए थे वो हार गए थे एक तरह से, मतलब उनको क्लियर बहुमत नहीं मिला था, इतना है। लेकिन जनता की अदालत में कोई हार जाए इसका मतलब ये नहीं कि अपराधी होता है। मैं जो कह रहा हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से बजती है। पहली बात तो है कि इस तरह की चीज़ें उठनी नहीं चाहिए थी। आज की हालत में क्या नहीं शब्द सुनाई पड़े, हम आपस में, जनता में, गांव में भी कोई पढ़ा लिखा इस तरह से बहस में ये नहीं करता, थप्पड़ मारेंगे, बताइए प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या हो रहा है, और उधर से भी किसी दिवंगत के बारे में, मैं मानता हूँ ये नहीं कहना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। देखिए, एक सत्ता मिले या नहीं मिले, एक बात मैं कहता हूँ कि कोई भी उपलब्धि, मैं हमेशा एक बात को जानता हूँ कि जीवन का मूल्य उसकी गरिमा में है, उसकी सफलता में नहीं। और सुनिए, कोई भी कीमत नहीं चुकाई जा सकती कुर्सी हासिल करने के लिए, कहीं ना कहीं से एक मर्यादा रखनी चाहिए। और मैं दोनों पर कह रहा हूँ, न राजीव गांधी अपराधी साबित हुए, न मोदी आज तक साबित हुए हैं, न मोदी चोर है। रामकृपाल जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी संस्कृति ये नहीं है, हमारे मुल्क की संस्कृति ये नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी को ये लगता है कि उस वक्त बोफोर्स घोटाले को लेकर कांग्रेस की मशीनरी ने इस घोटाले को दबाने की कोशिश की, क्या बीजेपी ये साबित करना चाहती है? थोड़ा समय दीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में नहीं टोकेंगे। रामकृपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये कहते हैं कि किसी की शहादत पे उस पर टिप्पणी ना करें,
लेकिन क्या उन मुद्दों पे भी टिप्पणियां ना हो जो उस व्यक्ति से जुड़ी हो? और मैं आपको तीन ऐसे दाग बताता हूं जो राजीव गांधी के दामन पे पड़े हैं। हम राजीव गांधी जो व्यक्तित्व है उसकी बात नहीं कर रहे, उनके कृत्यों की बात कर रहे हैं। ये 1984 का सिख राइट्स हुए, उन्होंने कहा जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। 34 साल बाद अब देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा था, मैं जजमेंट की कॉपी लाया हूं। जवाब दीजिएगा, अपने समय पे बोले ना, घबरा क्यों जाते हैं आप मुझे बताइए। पहला बड़ा वृक्ष है ये, क्या ये घबरा गए हिलने लगे हैं? तो चुप रहिए, आपका आप पहले इन्हें बुलवाइए, लेकिन जब मैं बोलूं तो बीच में ना बोले, ये पहले बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये आदत है। यही हुआ, आपने उनको नहीं रोका, आप पहले इन्हें बुलवाइए और मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास तर्कों की धार है, सच्चाई है, और ये घबरा जाते हैं। पहले बोले, भाटिया को बात पूरी करने दीजिए प्लीज, धन्यवाद। तो पहली बात, पहला दाग उनके दामन पे है 1984 के दंगे, 34 साल बाद सिख परिवारों को न्याय मिला, नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका रही। और ये जजमेंट कहता है कि पॉलिटिकल पेटर्नेज एक्यूज को मिला जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार। दूसरा दाग बोफोर्स का, तीन तथ्य बड़े महत्वपूर्ण है। क्या ऐसा नहीं था कि 2004 में एक फैसला आया और 2005 में, और प्रीति जी उसके खिलाफ अपील नहीं फाइल करी गई सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि राजीव गांधी को बचाना था। दूसरा कोटरोची, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, झूठ है सत्य जनता तय कर लेगी। दूसरी बात, 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोटरोची के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, स्टेटस को बनाए रखिए, रुपया नहीं निकाला जाएगा। आपको मालूम है एएसजी को भेजा गया और डी फ्रीज किए गए और रुपया निकला। और तीसरी बात, रेड कॉर्नर नोटिस जो था उसके खिलाफ 2009 में वापस लिया गया। क्या ये बड़े सवाल नहीं है जिसका उत्तर कांग्रेस पार्टी को देना है, राहुल गांधी को देना है? और इसके बाद आप दीजिए, आप सीधे आबे दुबे जी को आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई इंटरवीन नहीं करेगा, अब आप बोलिए। देखिए, बड़ी बातें कही गई है, मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपना पहला उत्तर देता हूँ। राजीव गांधी जी को क्लीन चिट दी नहीं या नहीं दी, हाई कोर्ट के जस्टिस जेडी कपूर वो क्या कहते हैं, ब्राइफ अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी एस के भटनागर बीइंग पर्स्यूड बाय द सीबीआई स्टूड क्वैश। उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया, जानते हैं कब? 5 फरवरी 2004, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कब गई? 22 मई 2004, अर्थात वो 90 दिन का समय जिसमें अपील करनी होती है। पता ही नहीं है। फिर आप झूठ, आपके समय में नहीं बोला, आप बोलिए मैं बताऊंगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई, कोई अपील नहीं की, आखिरी तक ये कोशिश करते रहे फंसाने की। अभी सर्वोच्च अदालत गए थे 2018 में, इनके अटॉर्नी जनरल ने राय दी थी कि इसमें सब्सटेंस नहीं है, जाने का फायदा नहीं है, टाइम लिमिट भी खत्म हो गई है, लेकिन गए क्योंकि प्रतिशोध की आग में जल रहे थे, ये चाहते थे। तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज राफेल में चोरी हुए हैं। मैं फिर से 20 सेकंड आप मुझे जो उन्होंने सवाल उठाया, आप हाथ उठा रहे थे बीच में, बोल रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं रोकूंगी। आप मुझे बताइए, जब सिख विरोधी दंगे होते हैं, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, क्या राजीव गांधी जिस सार्वजनिक जीवन में थे, इस बयान की आलोचना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या श्रीलंका पर उस वक्त की सरकार की नीति को लेकर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या बोफोर्स घोटाले पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने एक भी दिन 45 साल में भीषणतम बेरोजगारी है प्रीति रघुनंदन ने चर्चा कराई? ये लीजिए, नहीं कराई। आपने दिल्ली के दरवाजे पर किसानों को मार मार कर लहू लुहान कर दिया, चर्चा कराई, देश चर्चा नहीं करना चाहता। सवालों से मत भागिए, भागेंगे सवालों से मत भागिए। नीरव मोदी, विजय माल्या, रखिए ना एक दिन डिबेट शो, मैं आता हूँ दस्तावेज लेकर। और सुनिए, नहीं अभी रुक जाइए, जो धरती पे एंकर है आप थोड़ी मैं उस पर आज जवाब देना चाहता हूँ। इधर उधर भागेंगे, जो कहा है कि जो प्रश्न आप पूछेंगे तैयारी किसी और की है, इधर उधर भाग जाएंगे आप, बिल्कुल बोलेंगे। अब करिए, अब आज के बाद जितनी डिबेट आपकी और हमारी होगी, चुनौती देता हूँ। राहुल गांधी को बच्चा छुप जाए आरोप लगाने के लिए, अरे भाग जाएंगे 23 तारीख के बाद। एंटीगुआ की नागरिकता की तैयारी करिए, अपने मेहुल चौकसी को बोलिए वह तैयार रखे नागरिकता। समझ लेना, देश में चर्चा करिए, दोस्तों
आप बात करिए कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को ढीर। आप पूछिए मोदी जी से एक्सपोर्ट क्यों खोला। अभय दुबे जी, मैंने तीन पॉइंट रखे, आपने उन तीनों में से किसी का भी उत्तर नहीं दिया। आप जवाब तो लेना नहीं चाहते। मैं वाजपेयी जी से पूछ लेती हूँ, मैं वाजपेयी जी से पूछ लेती हूँ, मैं आप दोनों को रोकूंगी। नहीं नहीं, दर्शकों का समय मोदी सरकार, क्या कांग्रेस सरकार ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया बोफोर्स घोटाले को छुपाने के लिए? क्या कांग्रेस मशीनरी ने तब बोफोर्स घोटाले के दरमियान अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया? बिल्कुल किया, वो तो एक सेंटेंस से साबित है। दो एक सेकंड आप देखो, बोलने नहीं देंगे? एक सेकंड आप रुक जाओ ना, अब मुझे प्लीज बोलने दीजिए। 98 से 2004 तक सरकार क्या किया बता दीजिए। चलिए अब इन्होंने खुद ही बताया कि 2004 में हाईकोर्ट ने, एक सेकंड रुक तो जाओ, 98 से 2004 अरे रुक तो जाओ, क्या किया रुक तो जाओ, एक सेकंड रुको माय डियर। 2004 में हाईकोर्ट का फैसला आया, इन्होंने पूरे एक सेकंड जो आपने पढ़ के सुनाया, यस हाँ वही कह रहा हूँ, और सीबीआई क्योंकि इनकी सरकार थी। अरे एक सेकंड सुन लो, एक सेकंड, 10 साल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं की। अरे जब हमारी सरकार आई है, अटल जी ने की, हमने अपील फाइल की है, हमने अपील फाइल की है, अटल जी ने की, ये क्या था? और फिर मैं आपको बताऊं कि ये लड़ाई बड़ी साफ थी, क्योंकि राजीव गांधी की डेथ हो गई, क्योंकि वो शहीद हो गए, हम इस बात को कहेंगे, क्योंकि वो शहीद हो गए। अच्छा एक अरे सुनो ना यार, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की क्या आपकी राहुल गांधी? बोलने नहीं दे रहे हो, बोलिए ना मेरे प्रश्नों के। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने, Who are you? Why should I answer you? आपकी Why should I answer you? पर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ने? मैं उत्तर दूं? Why should I answer you? किल हो जाएगा, प्लीज आप ना अपनी बात रख रहे हैं ना दूसरे को अपनी बात रखने दे रहे हैं, ये तो गलत तरीका है। मैं सर जल्दी से 30 सेकंड में बात करने आए हैं, ये ना उत्तर दूंगा ना देने दूंगा। देखिए दुबे जी सुन लीजिए, कांग्रेस को 2014 में किस लिए हटाया गया था? जनता बताएगी, करप्शन के लिए हटाया गया, बिल्कुल उसी के लिए हटाया गया था। ये 10 साल के शासन में जो हुआ सिर्फ इसलिए हटाया गया था, और आज भी स्थिति वही है, और कांग्रेस सिर्फ 70-75 सीटों पे आके रुक रही है, कोई इनका गठबंधन नहीं है, और देश की जनता पूरी तरीके से। वाजपेयी जी ऐसे में सवाल तो ये उठता है ना कि कांग्रेस अगर सबसे कम सीटों पर रुक रही है, तो फिर प्रधानमंत्री को 5 चरणों के चुनाव के बाद 2 चरण बाकी बचे हैं, तो ये 3 साल पीछे क्यों राजनीति को ले जाना पड़ रहा है? ये कौन सी आशंका है जिसके साथ प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ रही है? इसी पर हम आगे आएंगे। हम रुक कर लेते हैं आमिर हैदर जैदी साहब का। जैदी साहब, आप ब्रेक से पहले बोल रहे थे कि उस वक्त 89 में देश गुमराह हो गया था, तब वीपी सिंह की सरकार बनी थी, उस सरकार को आपने भी समर्थन दिया था, देश गुमराह हुआ था, उस गुमराह होने के लिए क्या आप देश से कांग्रेस पार्टी से माफी मांगेंगे कि कोई घोटाला उटाला नहीं था? देखिए राम कृपाल जी ने एक चीज कही, बात वहां से शुरू करूंगा। राम कृपाल जी ने कहा, मैंने कहा लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे होगा। राजी, आज आप मैं पूरी बात कर रहा हूं, सारे लोग रामकृपाल जी को छोड़ के तय करके आए, रामकृपाल जी आउट ऑफ द बॉक्स ही जाकर बात करनी है। मैं आउट ऑफ द वो नहीं जा रहा हूं, मैं मुद्दे पे ही रहूंगा। रामकृपाल जी ने कहा, राजीव गांधी के बाद राजीव गांधी जी आए देश के अंदर जिन्हें मजबूत प्रधानमंत्री कहा गया, फुल बहुमत के साथ आए, उसके बाद मोदी जी आए। लेकिन राजीव गांधी के बाद से लेके मोदी जी के कार्यकाल का पहले तक का कार्यकाल देख लीजिए, सामने जनता बैठी है कि उस दौर के अंदर देश का विकास हुआ नहीं हुआ जब लोकतंत्र मजबूत हो रहा। मेरा सवाल का लोकतंत्र मजबूत जब होता है जब विपक्ष मजबूत होता है। मेरे सवाल का जब जवाब है, बिल्कुल सरकार देश के मेरे सवाल का आपके पास वो नहीं सुनेगी, खुद ही अदालत होगी, खुद ही फैसला करेगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, बीजेपी वालों का सवाल कीजिए, आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। उत्तर दे रहा हूँ आपके सवाल में, उत्तर है केंद्र के अंदर, या तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार रही। इन्होंने कहा कि 2010 के अंदर साहब भ्रष्टाचार के 14 के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के बाद मोदी जी आए, 5 साल तक कोई जेल गया, कोई एफआईआर दर्ज हुई नहीं, ये तेरी चोरी ये मेरा चोर, मेरा चोर अच्छा चोर तेरा चोर बुरा चोर, क्या देश इस मुद्दे पे लड़ेगा? सुन लीजिए, देश दो राष्ट्रीय पार्टी एक है, साहब ये चोर है, तेरा बाप चोर है, हमें तो 89 की सुलह आप कर लीजिए।
देखो देश का जब महात्मा गांधी का अपमान हो रहा था कांग्रेस चुप थी। आप किसी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। हेमंत करकरे का अपमान हो रहा था कांग्रेस चुप थी। दूसरा आप जरूर लेकिन जब कांग्रेस के किसी बहुत बड़े शहीद का अपमान हुआ, मैं भी उन्हें शहीद मानता हूँ, तो आप फिर लग गई कांग्रेस को अंदर। जब देश के शहीदों का यह अपमान करते थे कांग्रेस चुप थी। जब संविधान के प्रतिलिपि जंतर मंतर पर जला रहे थे तब भी कांग्रेस चुप थी। माफी मांग लीजिए ना कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस से माफी नहीं, कांग्रेस देश से माफी मांगे, बीजेपी मांगे। जब महात्मा गांधी की हत्या का मंथन ये कर रहे थे तब कांग्रेस चुप थी। आप भी चुप थी। आप खुद कह रहे हैं अभी पहले सेगमेंट में रिवाइंड करके सुन लीजिए। आपने कहा जब लोकतंत्र मजबूत होगा जब पता चलेगा कि जनता क्या सवाल पूछेगी। आपने कहा कि नहीं कहा इसका बच्चा जो पढ़ के आया है आईएएस के अंदर जब 25 लाख रुपए कुछ नहीं होगा सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। योजना आपने बताई है इसकी बात आप नहीं कर रहे जनता की। आप उस किसान की बात नहीं कर रहे जो धनिया उगाता है और उसके पेट में अन्न नहीं है, उस नेता के बच्चे की बात करते हो। परिवार की सियासत रहेगी क्या बोफोर्स का जिन उनका पीछा छोड़ पाएगा? देखिए दिक्कत यह होती है कि दो तरह के होते हैं राजनीतिक। अच्छी तरह जानते हैं कि जब अदालत का काम फैसला देना है, लेकिन क्या होता है कि वो जानते हैं कि अदालतों में फैसला बहुत बाद में आता है। मैं आपको उदाहरण दूं, अब्दुल रहमान अंतुले पर कहा गया, इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान का आरोप लगा कि गलत हुआ, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। मीडिया ट्रायल हुआ, अब्दुल रहमान अंतुले हट गए, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, हटना पड़ा। बाद में अदालत ने सबको बेदाग, अंतुले को बेदाग छोड़ दिया कि नहीं उन पर आरोप है। तो अदालत के बाहर ये सब नेता जानते हैं कि अदालत गई जो, अब मैं तो नहीं कहूँगा बाढ़ में, वो जनता के सामने उसका तात्कालिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, ये प्रवृत्ति चलिए ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति इस बार शुरू हुई है वो इस लेवल पर उतर गई है। और मुझे डर इस बात का है कि 23 तारीख को जो फैसला आएगा कहीं जीतने वाली पार्टी ये न मान ले कि वो उसने जो जितना गिरावट अपनाई थी ये उसका परिणाम है, ये खतरनाक होगा लोकतंत्र के लिए। ये तो दोनों पार्टियों के सवाल है, ये सवाल दोनों पार्टियों के लिए है, गौरव भाटिया से भी है और अभय दुबे जी से भी है। जब वीपी सिंह से बात पूछ हमें बात तो हमारी टर्न आती है। नहीं नहीं आमिर जदी साहब आप अपने वक्त पर तो बोलेंगे नहीं, दूसरे की बारी पर बोलेंगे। साबित करने की जरूरत नहीं है गौरव भाटिया जी, बस देश को थोड़ा गुमराह करना दिग्गज नेता चाहे वो आपकी पार्टी के हो या कांग्रेस पार्टी के हो वो जिम्मेदार है। और इस बार तो प्रधानमंत्री ने दिवंगतों को भी खींच लिया है। देखिए मैं सबसे पहले तो कुछ चीजें क्योंकि पेशे से वकील हूं बता दूं, 2004 में जजमेंट आया जो मार्च में मेरे भाई कह रहे हैं और 2005 में भी जजमेंट आया, लेकिन 10 साल तक इन्होंने अपील नहीं डाली उसमें सर्वोच्च न्यायालय में, यह सच्चाई है। आप बीच में बोलना चाहिए, आप बोलिए बोलिए, आप पहले आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक एक लाइन पे इसलिए बोलेंगे कि सत्य बात है। देखिए सच नहीं, आप पहले बोलिए लेकिन मेरे बीच में ना बोलिए, मुझे इतना कष्ट। अटल जी की सरकार 22 मई 2004 को गई, अरे 90 दिन होते अपील करने के, इस तरह से आप चर्चा कराना चाहती हैं। अभी फैसले में यही कहा तब अपील नहीं की। ये क्या है ये बौखलाहट है, ये तो और क्या है। 10 साल का उल्लेख करते हैं, देखिए मैं एक उदाहरण सिर्फ देना चाहता हूं। अच्छा अपील नहीं की तो बोफोर्स घोटाला नहीं हुआ? अरे राजीव गांधी जी आज चलिए बोफोर्स घोटाला नहीं हुआ, बोफोर्स घोटाला कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट गए ना, ये अभी क्या हुआ? प्रीति जी मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अगर ये चुप हो जाए ये कौन सी चर्चा है आप बताइए, फिर हम चले जाते हैं। आप चिल्लाने के लिए आए हैं, सत्य रखने के लिए आए हैं। आपका वोटर ये समझेगा जिसके लिए आप यहाँ आए हैं कि आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं, आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं, ये समझेगा वोटर। गौरव भाटिया को बिल्कुल लीजिएगा, गौरव भाटिया को अपनी बात पूरी करने दीजिए। गौरव भाटिया देखिए दूसरी बात ये है, सर्वोच्च न्यायालय में रोज SLP 90 दिन की दोहाई दे रहे हैं ना, एक साल दो साल बाद भी होती है लेकिन ये लोग 10 साल उस पर सोते रहे। तीसरी बात, जब आप खानदान पे आओगे ना तो सारे जितने भक्त हैं उनको दर्द होगा, पीवी नरसिम्हा राव उनका पार्थिव शरीर जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर नहीं आया, सीताराम केसरी को हाथ और पांव से पकड़ के बाहर फेंक दिया और मनमोहन सिंह के पास ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया राहुल गांधी ने, तब कहा मर्यादा और सम्मान गया था इन व्यक्तियों का, ये है खानदानी। खानदानी ये लोग जो है सेवक है, पूजा करेंगे, मैं आरती उतारूंगा आप गांधी परिवार के, ये मैं बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात,
दूसरी बात इन्होंने एक कहा था भाजपा ने क्या किया, मेरे भाई को शायद ज्ञान नहीं है, जो चार्जशीट फाइल हुई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब फाइल हुई थी, लेकिन इन्होंने आगे, अब देखिए फिर रो रहे हैं, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, चिल्ला तो नहीं रहा हूँ, मेरे भाई चुप हो जाइए तथ्यों पे। गौरव जी, गौरव जी, अभी आपने आपने दिवंगत के साथ साथ तमाम लोगों के नाम गिना दिए ना, अब ये लोग भी गिनवा देंगे, मुरली मनोहर जोशी का नाम गिनवा देंगे, आडवाणी जी का नाम गिनवा देंगे, आपकी क्या, अब उनसे ले लेते हैं ना, नहीं तो मैं उत्तर, आपने लाल कृष्ण एक तरफा, सुनिए लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, नरेंद्र मोदी जी खुद पांव छूते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के, और हमारी कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती जहां सम्मान न हो। गौरव भाटिया कह रहे हैं अबे दुबे जी कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा संस्कारी पार्टी है, साबित कीजिए, अब नहीं है, आप साबित करके दिखाइए अबे दुबे जी। देखिए प्रीति जी, मैं देश से हाथ जोड़कर एकमात्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, बहस के मुद्दे क्या थे जानते हैं आप, कि 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं, सुषमा, अरे अब आप बोल दिए, सीडब्ल्यू जी घोटाले ही घोटाले, सुन लीजिए अब आप, अब बहस हो रहा है, बहस के मुद्दे, अरे दर्द फिर आपको होगा, हमें दर्द नहीं होगा, समझ लीजिए, हमारे साथ जनता खड़ी है और आपके साथ खानदान नहीं खड़ा होगा, आप देख लीजिएगा, यही तरीका है आपके चेहरे, 300 बार एक बार भी बोलना नहीं चाहते आप इन लोगों को, दर्द हुआ पूरी डिबेट में केवल रायता फैला रहे थे, तब कुछ नहीं है, अब हमने सुई चुबाई, यही मोदी जी ने समाप्त हो चुका है, मैं माफी चाहूंगी अपने तमाम ऑडियंस से जिनसे मैं सवाल नहीं ले पाई, लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी को पूर्व मुख्यमंत्री एक रहे हैं, नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, उनको जूता पहनाते हुए तस्वीरें कैद हुई थी, तो संस्कारी पार्टी कौन है, कौन बड़ों का सम्मान करता है और असम्मान करता है, साबित है पूर्व मुख्यमंत्री।